तो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और आम बजट 2023 से 24 पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी है। हमारा बजट भी काफ़ी बड़ा हुआ है, जिसके कारण आने वाले समय में हिंदुस्तान के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमने निर्धार व्यक्त किया कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड के रोड बनेंगे, वो उद्दिष्ट हम निश्चित रूप से पूरा कर सकेंगे। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन पावर, हर जगह पर जो ग्रीन बात के उल्लेख किया गया, वो हमारी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के दृष्टि से एक बहुत बड़ी पहल है। मैं मानता हूँ कि इस बजट की विशेषता ये है कि हमारे आम आदमी के जीवन में जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की जो समस्याएँ गंभीर हैं, वो ग्रीन अप्रोच के कारण निश्चित रूप में हमारे क्वालिटी लाइफ में काफ़ी बड़ा सुधार होगा। मिडिल क्लास के बारे में सोचा नहीं जाता था, इस बार पहली बार मिडिल क्लास को भी काफ़ी राहत दी गई है। गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण करने वाला और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने वाला और हिंदुस्तान को वर्ल्ड की इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए ले जाने वाला, ऐसा ये बजट है।